कहते हैं यदि कलयुग में कोई ईश्वर धरती पर है तो वो केवल परम राम भक्त हनुमान ही है। बिना हनुमान जी के रामायण की कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी है। हनुमान जी को वायुपुत्र भी कहा जाता है, उनका वेग वायु से भी तेज माना जाता है। हनुमान जी न सिर्फ परम राम भक्त हैं, बल्कि रुद्र अवतार भी हैं। हनुमान जी को अपार शक्तियां का स्वामी और तीनों लोगों में सत्य शक्तिशाली भगवान माना जाता है। इतना बलवान, इतनी शक्तिमान और इतनी बुद्धिमान होते हुए भी पवन पुत्र हनुमान अहंकार से बहुत दूर है। भगवान के सभी अवतारों के विपरीत, जिन्हें अपने उद्देश्यों को पूरा करने के बाद इस पृथ्वी को त्यागना पड़ा, वही भगवान हनुमान जी को भगवान शिव जी द्वारा मृत्युंजय का वरदान प्राप्त हुआ था। इसका अर्थ है वो सदा अमर रहेंगे। तो चलिए जानते हैं राम भक्त हनुमान जी से जुड़े कुछ खास रहस्य। नंबर एक, भगवान राम से पहले जन्मे थे हनुमान जी। हनुमान जी का जन्म कर्नाटक में स्थित हम्बे के निकट मतंग ऋषि के आश्रम में हुआ था। भगवान श्री राम के जन्म से पहले हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन जन्मे थे। नंबर दो, कल्प के अंत तक शरीर में ही रहेंगे हनुमान। हनुमान जी को इंद्रदेव से इच्छा मृत्यु का वरदान, भगवान शिव से मृत्युंजय का वरदान, माता सीता से चिरंजीवी होने का वरदान मिला है, लेकिन भगवान श्री राम के निर्देशानुसार उन्हें कलयुग के अंत तक रहना है। अकल्प के अंत होने पर उन्हें उनके संयुक्त की प्राप्ति होगी। भागवत गीता के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधबादन पर्वत पर निवास करते हैं। नंबर थ्री, हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र भी बेअसर है। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को तीन वरदान दिए, जिसमें सबसे प्रमुख और शक्तिशाली वरदान था उन पर ब्रह्मास्त्र का असर ना होना। ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति मानी गई है तो वह हनुमान जी को माना गया है। महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय सियाराम अवश्य लिखें, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।